प्रत्यारोपण 20वीं सदी के सबसे महान चिकित्सा चमत्कारों में से एक है। इनसे न केवल बहुमूल्य जीवन बचता है बल्कि हर साल लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी होता है। अंगदाताओं और उनके परिवारों द्वारा किए जाने वाले अंगदान ने अंग प्रत्यारोपण को न केवल एक जीवन रक्षक तरीका बना दिया है बल्कि इसे वासुदेव कुटुंबकम का एक प्रतीक भी बना दिया है। पर अंगों की भारी मांग और उनकी कम आपूर्ति के बीच असमानता चिंता का विषय है। अंगों की कमी एक वैश्विक मुद्दा है और मृतकों के अंगदान इसका एक प्रमुख स्थायी समाधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति 10 लाख जनसंख्या में 26 लोग, स्पेन में 35 और क्रोएशिया में प्रति 10 लाख जनसंख्या में लगभग 36 लोगों द्वारा अंगदान की दर है, जबकि इनकी तुलना में भारत की अंगदान की दर प्रति 10 लाख में 0.34 है, जो कि काफी कम है। भारत में भी सरकार, डॉक्टर और गैर सरकारी संगठन अंगदान करने की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसकी वजह से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों से अच्छे नतीजे मिले हैं, लेकिन हमें अभी भी अंगदान की दर में सुधार करके एक लंबा रास्ता तय करना है। जीवन रक्षक अंग प्रत्यारोपण के अलावा हड्डियां सबसे अधिक प्रतिरोपित होने वाले ऊतक हैं, जो रक्त के बाद दूसरे स्थान पर हैं। भारत में हर साल हजारों कैंसर और आघात के रोगियों को हड्डी प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें से केवल 35% को ही ये समय पर मिल पाती हैं। तो विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के आज के एपिसोड में हम अंग और अस्थि यानी हड्डी दान के महत्व, इसके पीछे के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे तथा एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कैडवेरिक बोन बैंक के बारे में जानेंगे। यहाँ हम एक बोन बैंक की कार्यप्रणाली समझेंगे और देखेंगे कि एम्स के डॉक्टर फ्री में मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अत्यधिक महंगे आयातित धातु के कृत्रिम अंगों का उपयोग करने की बजाय बोन बैंक की हड्डियों का उपयोग करके नवीन तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं। बोन डोनेशन से न केवल लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है बल्कि ये कई मामलों में उनके जीवन को भी बचाता है। The main differences between the आँख, दिल, किडनी, फेफड़े और हड्डियां दान करने के बीच में मुख्य अंतर यह है कि दिल, किडनी, फेफड़े जीवन रक्षक अंग हैं, जबकि हड्डियों का दान जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए है। एक अंतर यह भी है कि जहां हृदय दान से एक व्यक्ति को लाभ होगा, वहीं गुर्दा दान से दो व्यक्तियों को लाभ होगा, जबकि एक इंसान की मृत्यु के बाद हड्डियां दान करने से 20 लोगों का जीवन सुधर सकता है। इससे 20 लोग लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में और भी काफी कुछ देखिए केवल इंडिया साइंस पर।